खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, जबकि ये लोग चाहते हैं कि संघर्ष नाम से कोई चीज नहीं हो, संघर्ष किसान करे ही नहीं। हम किसानों के बेटे हैं, हमने नौजवानों के लिए, किसानों के लिए और माता बहनों के लिए, उनकी अस्मिता को बचाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, उसमें ये लोग चाहते हैं कि किसी भी तरह से रोजगार, नौजवान, युवा, किसी भी तरीके से कोई भी ऐसी बात ना करे, कोई भी ऐसी सरकार के सामने मांग ना उठाए जिससे इन लोगों की सरकार आपके चोट लगे समर्थन में। मेरे चोट कहाँ लगी, मेरे को तो प्रसाद मिला है। ये मेरे भाइयों के संघर्ष करने के लिए मुझे इन्होंने प्रसाद दिया। मैं शहर प्रसाद दिखाओ जरा, ये प्रसाद मैं शहर स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। आखिरी बूंद भी मेरे बेरोजगार साथियों के काम आती है, तो मैं हमेशा खड़ा तैयार मिलूंगा। मैं यहाँ कोई अकेला नहीं हूँ, मेरे जैसे 5,000 कार्यकर्ता काफी संख्या में आए हैं। कांग्रेस का नाम जयदेव जांगिड़, प्रदेश सचिव राजस्थान यूथ कांग्रेस। उसके बावजूद आप तस्वीरों कब कैसे हुआ ये हमारे रंगाबिला की सरकार के जो ये तानाशाही रवैया के जो लोग हैं, जो अंग्रेजों के जमाने के कार्यकर्ता हैं, इन लोगों ने हमें प्रसाद दिया है। क्योंकि हम किसानों की आवाज़ उठाते हैं, क्योंकि हम मजदूरों की आवाज़ उठाते हैं, क्योंकि हम इस देश के युवा की आवाज़ उठाते हैं, हम बेरोजगारों की आवाज़ उठाते हैं, इसलिए ये लोग चाहते हैं कि ये दमनकारी सरकार ये किसी भी तरह नौजवानों को मजबूत ना होने दे। ये संघर्ष नहीं चाहते, ये हमारा बलिदान चाहते हैं। और आगे तो बजा।